अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बच्चों आपको पता है कि हम लोग अल्केन स्टडी कर रहे हैं। अल्केन्स में हम केमिकल रिएक्शंस जो है और स्टडी कर रहे हैं अल्केन्स के, और इसके हम इस पर अब हम डिस्कस करने लगे हैं व्हाट आर द कंडीशंस फॉर हैलोजिनेशंस। आपको पता है कि हैलोजिनेशन टेक्स प्लेस अंडर सनलाइट, ये डार्क में रिएक्शन नहीं होता, ये किस में होता है, सनलाइट में, या डायरेक्ट सनलाइट में या डिफ्यूज सनलाइट में, यानी मध्यम सूरज की रोशनी में या ब्राइट सनलाइट में। इन डायरेक्ट सनलाइट में क्या होता है, मीथेन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्लोरीन जो है सारे हाइड्रोजन एटम को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, और कार्बन ब्लैक डिपॉजिट होता है साथ, फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। रिएक्शन क्या होता है, हाईली एक्सप्लोसिव एंड कार्बन इज डिपॉजिटेड। और इन डिफ्यूज सनलाइट में क्या होता है, सीरीज ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस, ठीक है, और एट ईच स्टेप वन हाइड्रोजन एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय हैलोजन एटम, यानी एक एक करके हाइड्रोजन निकलता है। अब ये देखिए CH4 है, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ ब्राइट सनलाइट डिफ्यूज सनलाइट में रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि क्लोरीन जो है एक हाइड्रोजन एटम की जगह ले रहा है, और एक हाइड्रोजन एटम निकल के, यानी क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह ले रहा है और एक हाइड्रोजन एटम निकल के क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमारे पास क्या बन रहा है, CH3Cl+HCl, यानी क्लोरोमीथेन और साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, राइट। अब ये जो हमारे पास क्लोरोमीथेन है, ये फर्दर एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, राइट। अब क्या होता है कि क्लोरीन दूसरे हाइड्रोजन एटम की जगह लेता है और हाइड्रोजन एटम निकल के क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, और हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है, डाइक्लोरोमीथेन बन जाता है, और साथ क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अब बच्चों ये जो डाइक्लोरोमीथेन है CH2Cl2, ये एक और Cl2 के साथ रिएक्ट करता है डिफ्यूज सनलाइट में, राइट। तो ये जो क्लोरीन है, ठीक है, ये इस हाइड्रोजन एटम की जगह ले लेता है और हाइड्रोजन निकल के दूसरे क्लोरीन एटम के साथ कंबाइन करता है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाता है, CHCl3, जिसे हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, और साथ क्या चीज़ बनती है, HCl बनता है। अब ये CHCl3 एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, राइट। क्लोरीन, ये हाइड्रोजन एटम जो है क्या करता है, ये क्लोरीन एटम हाइड्रोजन की जगह ले लेता है, और ये हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ मिलता है, और प्रोडक्ट क्या बन जाता है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और साथ क्या बनता है बच्चों, HCl, यानी इसको टेट्राक्लोरोमीथेन भी कहते हैं CCl4 को, और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। इज इट क्लियर गर्ल्स?